અમદાવાદની મુલાકાતે આવેલા કેન્દ્રીય મંત્રી પ્રકાશ જાવડેકર વીટીવી સાથે ખાસ વાતચીત કરી છે. શું કહે છે પ્રકાશ જાવડેકર, આવું સાંભળીએ. જાવડેકર આપણી સાથે જોડાયા છે, તેમની સાથે સીધી વાતચીત કરશું. ગુજરાતમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીની ગૌરવ યાત્રા અને તેના પ્રચારને લઈને. સર, સબસે પહેલે તો આજ ગૌરવ યાત્રા મેં આપ ભારતીય જનતા પાર્ટી ગૌરવ યાત્રા મેં આપ શામિલ હુએ થે, લોગો કા કૈસા રિસ્પોન્સ હૈ, આપ કૈસે દેખ રહે હૈ ઉસકો યાત્રા કો? हम दहेगांव में सभा किया, उसके पहले दो गांव में बहुत अच्छा स्वागत हुआ, तो मैंने देखा लोगों में एक उत्साह है और उत्साह के साथ लोगों की नई आकांक्षा है और बीजेपी ही पूरा करेगी ये विश्वास, तीनों चीजें दिखाई दी. क्योंकि विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, इस विकास की अविरत प्रवास में भाजपा के साथ गुजरात की जनता अडिग तरीके से खड़ी है. पिछले 5 चुनाव में और इस 6ठे चुनाव में भी इसका दर्शन आज हुआ. क्योंकि विकास का कभी फुल स्टॉप नहीं होता, विकास ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, और विकास और तेजी से विकास और आगे बढ़ना ये लगातार चलता है. दिल मांगे मोर. सर, जैसे आपने बताया 2007-2012 में भी यात्राएं हुई थी, लेकिन इस बार जो समीकरण है, जो जो माहौल है कुछ अलग है. क्योंकि सामाजिक जो कोटा के बारे में आंदोलन हुए हैं, साथ में ऊना में भी एक कांड हुआ था जहां पे दलितों को मार मारा गया था, तो वो पूरा नेशनल इश्यू बनाया गया था. इसमें आपको मालूम है दलितों पर कोई भी प्रताड़ना होती है तो गुजरात सरकार ने तुरंत कार्रवाई की है, तो ऐसा कभी नहीं हुआ. क्योंकि हम सभी समाज को एक समझ के ही पूरा काम करते हैं और खासकर ये सरकारी दलित शोषित पीड़ित वंचित गरीब लोगों की सरकार है, गरीबों के लिए काम कर रही है, देश भर में यही हमारी पहचान है. सर, गौरव यात्रा हो रही है, राहुल गांधी समांतर यात्रा कर रहे हैं, 3-3 दिनों के प्रवास पे आ रहे हैं गुजरात में. उन्होंने उत्तर प्रदेश में भी इस तरह चुनाव में प्रचार किया था. नहीं नहीं, इसलिए अच्छा हुआ उत्तर प्रदेश में हमें 3/4 बहुमत मिला, तो यहाँ भी उसी दिशा में हम जा रहे हैं. और राहुल गांधी जहाँ भी बहुत प्रचार करते हैं वहाँ वहाँ बीजेपी को ज्यादा सफलता मिलती है. पिछले 3 साल में हमने महाराष्ट्र, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, आसाम, मणिपुर, झारखंड और ये सभी, उत्तर प्रदेश उनके हाथ में नहीं था लेकिन उनके समर्थकों के हाथ में था, और उत्तराखंड, ये कांग्रेस के हाथ में होने वाले राज्यों में बीजेपी ने सफलता पाई है, तो बीजेपी गुजरात में जबरदस्त सफलता पाएगी. विपक्ष की बात करें और कोई पक्ष की बात करें, आखिरी प्रश्न है सर, वो आईटी में सोशल मीडिया में सबसे ज्यादा विकास पागल हुआ है, इस तरह का ट्रोल हो रहा है अभी गुजरात में. ट्रोल हो रहा है, ये कारण इतना ही है, मैं किसी को ये नहीं करूंगा, लेकिन कांग्रेस जो बार बार बोल रही है विकास पागल हो गया, ये तो जनता का अपमान है. क्योंकि विकास जनता चाहती है, विकास के लिए लोग वोट करते हैं, तो विकास को पगला कहना यानी विकास न होने की वकालत करना एक, दूसरा विकास नहीं पगला हुआ है, कांग्रेस पगला गई है, ये मेरी उसका उत्तर है. आभार सर. तो आ था केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, सौनो साथ सौना विकास ना नरेंद्र मोदी ना जे मंत्र से मंत्र साथे भारतीय जनता पार्टी आगळ वधशे. कैमरामैन नरेश भूटिया साथे मेहुल देसाई, बीटीवी न्यूज, गांधी.